हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। यूट्यूब और गूगल पर इस टॉपिक को बहुत सर्च किया जाता है। अलग अलग तरह के स्टॉक फंड्स के बारे में जानने के लिए एक पूरी बुक लिखनी पड़ेगी, जैसे ऑल पर्पस फंड्स, सिंगल इंडस्ट्री फंड्स, मल्टी इंडस्ट्री, स्मॉल कंपनी, लार्ज कंपनी, प्योर हाइब्रिड, फॉरेन डोमेस्टिक, सोशली कॉन्शियस, सोशली अनकॉन्शियस, ग्रोथ, वैल्यू इनकम और ग्रोथ एंड इनकम फंड्स। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि फंड के फंड हैं जो दूसरे फंडों में शेयर खरीदने में माहिर हैं। आप दिन रात जाकर वीडियो देख सकते हैं कि सही फंड कैसे चुने, तो भी आप इस सब्जेक्ट पर आधी जानकारी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इनफैक्ट सही फंड चुनने पर इतना ध्यान दिया जाता है कि ये लोगों को पागल करना शुरू कर सकता है। लोग ज्यादा खुश, ज्यादा आराम से और कुत्तों और बच्चों के लिए ज्यादा टाइम दे पाएंगे। साथ ही वो साइकेट्री बिल्स पर बचत करेंगे, अगर केवल वो बिल्कुल सही म्यूचुअल फंड की खोज को छोड़ दें। ऑथर पीटर लिंच सही फंड चूज करने के लिए कुछ एडवाइस दे रहे हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो आप खुद आराम से म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इंडिया के बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म सिरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक कर आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन पॉइंट्स पर ध्यान दें। नंबर एक, आप म्यूचुअल फंड को सीधे उन कंपनियों से ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हैं जो इन्हें मैनेज करती हैं, जैसे कि HDFC, AMC, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, AMC। साथ ही आप इन्हें ब्रोकर के जरिए भी खरीद सकते हैं। हालांकि ब्रोकर आपको ये फंड नहीं बताएगा जिसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले। नंबर दो, ब्रोकर्स को जीने के लिए कमाना पड़ता है और उन्हें कभी कभी फर्म के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक बड़ा कमीशन मिलता है। आपको बहुत से फंड्स में से किसी एक को खरीदने के लिए कन्विंस करना उनके बेस्ट इंटरेस्ट में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये केवल म्यूचुअल फंड के लिए ही हो। जब भी कोई ब्रोकर किसी चीज की सिफारिश करता है तो हमेशा पता करें कि ब्रोकर के लिए इसमें क्या है। नंबर तीन, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सभी बॉन्ड फंड्स और हाइब्रिड फंड्स जो स्टॉक और बॉन्ड के मिक्सचर में इन्वेस्ट करते हैं को अनदेखा करें और प्योर स्टॉक फंड्स में इन्वेस्ट करें। इस सेंचुरी में 9 डिकेड्स में से 8 में स्टॉक ने बॉन्ड से बेहतर परफॉर्मेंस किया है। अगर आपने शेयरों में 100% इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप लॉन्ग टर्म में आप खुद के रिटर्न को कम कर रहे हैं। नंबर चार, सही ऑटो मैकेनिक चुनने की तुलना में सही फंड चुनना ज्यादा आसान है, क्योंकि एक फंड के साथ आपको गाइड करने के लिए पास्ट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड मिलता है। जब तक आप बहुत सारे कस्टमर से बात नहीं कर लेते, तब तक ये बताने का कोई आसान तरीका नहीं है कि ऑटो मैकेनिक अच्छा है, बुरा है या ठीक ठाक है। लेकिन आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी रेटिंग किसी फंड पर लागू होती है। ये सब एनुअल रिटर्न से पता चलता है। एक साल में 18% रिटर्न देने वाले फंड की तुलना में पिछले 10 सालों में लगातार 14% रिटर्न देने वाला फंड ज्यादा बेहतर है। लेकिन इससे पहले कि आप किसी फंड में उसके रिकॉर्ड के आधार पर इन्वेस्ट करें, ये पक्का करें कि लगातार 14% रिटर्न देने वाला मैनेजर अभी भी उसी फंड को मैनेज कर रहा है या नहीं। नंबर पाँच, टाइम के साथ बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। आज की सक्सेसफुल स्मॉल कंपनीज कल की वॉलमार्ट, रिलायंस और माइक्रोसॉफ्ट बन जाएंगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले फंड ने लार्ज कैप फंड को काफी अंतर से मात दी है। वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी को कंपटीशन से ज्यादा आउट परफॉर्म करने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके शेयर पहले से ही इतने हाई रेट पर होते हैं। चूंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स आमतौर पर लार्ज कैप स्टॉक्स की तुलना में ज्यादा अस्थिर होते हैं, इसलिए स्मॉल कैप फंड आपको अन्य तरह के फंडों की तुलना में ज्यादा उतार चढ़ाव देगा। लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन है और आप मार्केट के अप्स और डाउन्स में बने रह सकते हैं, तो आप स्मॉल कैप्स में बेहतर रिटर्न हासिल करेंगे। नंबर छह, एक बेकार फंड में इन्वेस्ट ही क्यों करें, जब आप एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने वाले फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसे कई सालों से ट्रैक किया गया है। कई सालों से अच्छा रिटर्न देने वाले फंड आप गूगल पर ढूंढ सकते हैं,
कई फाइनेंशियल मैगजीन्स भी इस तरह की लिस्ट जारी करती है। नंबर 7, कुछ इन्वेस्टर्स एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करने का शौक रखते हैं। वो लेटेस्ट हॉट परफॉर्मर के पीछे पड़े रहते हैं। स्टडीज से पता चला है कि एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न करने वाले फंड शायद ही अगले साल अपने परफॉर्मेंस को दोहरा पाते हैं। विनर को पकड़ने की कोशिश करना मूर्खता का काम है, जिसमें आप नुकसान के साथ अपना मूलधन भी खो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड वाला फंड चुनें और उससे चिपके रहें। नंबर 8, एनुअल एक्सपेंसेस के अलावा कुछ फंड एंट्री फी और एग्जिट फी भी लेते हैं, जिसे लोड कहा जाता है। इन दिनों एवरेज लोड 1-4% हो सकता है। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा लोड होता है, तो आप अपने पैसे का 2-4% तुरंत ही खो देते हैं। आप जितने लॉन्ग टर्म तक किसी फंड में रहेंगे, उतना ही लोड कम होता जाएगा। 10 या 15 सालों के बाद अगर फंड अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो आप भूल जाएंगे कि आपने इसमें शामिल होने के लिए 2-4% लोड का पेमेंट किया है। एनुअल एक्सपेंसेस लोड की तुलना में ज्यादा ध्यान देने लायक है, क्योंकि वो हर साल फंड से निकाले जाते हैं, जो फंड अपने एक्सपेंसेस को कम से कम 1% रखते हैं। उन फंडों को ऐसे फंड की तुलना में जिनका एक्सपेंस 2% होता है, एक बड़ा एडवांटेज होता है। एक हाई कॉस्ट फंड की तुलना में कम एक्सपेंसेस वाला फंड 0.5-1.5% तक की बढ़त में पहले से ही रहता है। नंबर 9, ज्यादातर फंड मैनेजर्स का गोल होता है मार्केट एवरेजेस से अच्छा रिटर्न देना, इसलिए आप इन मैनेजर्स को एवरेज स्टॉक से बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले शेयरों को चुनने के लिए फीस देते हैं। लेकिन फंड मैनेजर अक्सर एवरेज को मात देने में नाकाम रहते हैं। कुछ सालों में आधे से ज्यादा फंड खराब हो जाते हैं। उनके खराब होने का एक कारण ये है कि फंड के परफॉर्मेंस से फीस और एक्सपेंसेस घटा दिया जाता है। कुछ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ने एवरेजेस को मात देने वाले फंड को चुनने की कोशिश करना छोड़ दिया है, जो एक मुश्किल काम साबित हुआ है। इसके बजाय वो एक ऐसा फंड चुनते हैं जो एवरेजेस से मेल खाने की गारंटी हो, चाहे कुछ भी हो। इस तरह के फंड को इंडेक्स फंड कहा जाता है। इसे मैनेजर की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक पायलट पर चलता है। ये केवल एक पर्टिकुलर इंडेक्स के सभी शेयरों को खरीदता है और उन पर कायम रहता है। कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। नो मैनेजमेंट फीस, नो एग्जिट लोड और कोई डिसीजंस भी नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, एक निफ्टी 50 स्टॉक इंडेक्स सभी 50 स्टॉक खरीदता है। ये निफ्टी 50 इंडेक्स एक वेल नोन मार्केट एवरेज है, इसलिए जब आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको हमेशा एक एवरेज रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह अगर आप स्मॉल कंपनी से बड़ा फायदा उठाने के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा फंड खरीद सकते हैं जो रसेल 2000 जैसे स्मॉल स्टॉक इंडेक्स को ट्रैक करता है। अनफॉर्चुनेटली भारत में अभी कोई ऐसा स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं है, इसलिए आप भारत में इस तरह के स्मॉल कैप फंड चूज करिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो। अनदर पॉसिबिलिटी ये है कि अपने कुछ पैसे को सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बड़ी कंपनियों से लगा दें और बाकी को स्मॉल कंपनी से प्रॉफिट लेने के लिए एक छोटे स्टॉक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें। इस तरह आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड को चुनने के तरीके के बारे में एक और वीडियो कभी नहीं देखना पड़ेगा और आप कुछ ऐसे लोगों की तुलना में बेहतर कर पाएंगे जो सिचुएशन का बहुत केयरफुली स्टडी करते हैं और फिर खुद को ऐसे फंड में डालते हैं जो एवरेज को मात देने में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं कि आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से होंगे। ये इस तरह से हैं। नंबर 1, आप सबसे लो एक्सपेंस रेशियो वाली कंपनी का सेंसेक्स फंड और निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चूज करना है, क्योंकि इससे ब्रोकर को कमीशन नहीं जाता है। नंबर 2, आपको भारत के अलावा दूसरे देशों के इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे अगर आप अमेरिकी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड और मोतीलाल ओसवाल नजदाक 100 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको लर्न टू अर्न बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से
अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।